हमारे पवित्र चर्च में तुमको सिर्फ ये लिपस्टिक मिली। आई लव यू अनु। दुनिया भुला दूं मैं, फूलों से कलियों से तारों से तेरी अनु। मैं राहुल की माँ हूँ। अब तेरे बिन ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ। बाय। Hate you. बहुत तेज चलाइए। जिस फ्लाइट की आप बात कर रहे हो अभी अभी यहाँ से टेक ऑफ कर चुकी है, समझे? कि तुम उससे बहुत दूर चली गई थी आशिकी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और काम में व्यस्त होंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम नए वीडियो के साथ में आपके साथ रूबरू हैं। अभी जिस लोकेशन पे मैं पहुंचा हूं, ये मुंबई के अंदर हैंगिंग गार्डन नाम से एक जगह है, उसी जगह पे ये मूवी के सीन फिल्माए गए हैं। तो अभी हम हैं दोस्तों हैंगिंग गार्डन। अगर आप आना चाहते हैं तो मुंबई में हैंगिंग गार्डन किसी से पूछ सकते हैं, बस वाले से, किसी से भी आपको पहुँचा देगा। क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना, पीछे का समंदर का व्यू, उस पार्क से वो गजब का नज़ारा दिखाई देता है, वो आँखों को मन मोहित कर लेता है। और आज का वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आज की फिल्म जो 1990 के अंदर आई थी, राहुल रॉय, अनु अग्रवाल और कुमार सानू जी भी थे और भी एक्टर्स थे इसमें। और ये फिल्म अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। जो जैकेट वाला सीन था ना, वो राहुल रॉय और अनु अग्रवाल का, तो वो सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मान सकते उस जैकेट वाले सीन का जो पोस्टर ही बना दिया गया था आज की फिल्म के अंदर। तो आज हम उसी की लोकेशन दिखाने वाले हैं। उसके अंदर गाना रहता है, नज़र के सामने जिगर के पार, कोई रहता है वो हो तुम, तो ऐसे करके गाना था। और इस मूवी के गाने जो हैं बेहद ही खूबसूरत हैं, अगर आपने सुने होंगे। और हम अपने हिसाब से अगर मान सकते हैं कि आपने ये गाने ज़रूर सुने होंगे, रेडियो पे खूब चलते थे, आज भी चलते हैं, लोगों के जहन में आज भी उतरते हैं। जैसे बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, सांसों की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, तो इस टाइप के गाने थे। तो हम लोकेशन दिखाने वाले हैं नज़र के सामने जिगर के पार, उस गाने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम हैंगिंग गार्डन में हैं और यहाँ पे जो देख रहे हैं टूरिस्ट लोग आए हैं बिल्कुल अपना छतरी वगैरह लेकर, क्योंकि ये हैंगिंग गार्डन का एक व्यू पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से आपको पीछे का सारा कुछ नज़ारा दिखाई देगा, समुद्र से लेकर बिल्डिंग तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, और यहीं पे आज की फिल्म के जो सीन फिल्माए जाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, अभी इन लोगों को हट जाने देते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं यहाँ की लोकेशन। और लोकेशन के लिए आपको अगर आना है तो आप हैंगिंग गार्डन आ सकते हैं। यहीं पर वो सीन रहता है जब गाना रहता है आज की मूवी के अंदर, जिगर के सामने जिगर के पास, तो इसी जाली का सीन दिखाई देता है। यहाँ पर राहुल और टेबल पर बैठे रहते हैं, तो इस टाइप का सीन रहता है। और यहाँ पे लोग घूमने वाले ज़्यादा लोग आते हैं तो दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या ही है, हमें तो वीडियो बनाना है दोस्तों। तो यहीं पे टेबल पड़ी रहती है, आप स्क्रीनशॉट में मैच कर लेना, यहीं का नज़ारा रहता है। यहीं पे बैठे रहते राहुल रॉय और ऐसे करके सीन एक आता है, देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वो हटा दिया गया, इस साइड में था, वो स्पेशली फिल्म वालों के लिए था, इस साइड में था। और यहीं से वो सीन आता है आज की मूवी के अंदर, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये जो रेलिंग है ये पुरानी हटा दी गई है, नई लगा दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट में परफेक्ट मैच कर सकते हैं। और आगे का व्यू एक बार हम दिखा देते हैं यहाँ से, एक बार देख सकते हैं दोस्तों, जूम करके मैं एक बार दिखाता हूँ, देख सकते हैं जूम पे कितना अच्छा दिख रहा है। धीरे धीरे मैं जूम कर रहा हूँ दोस्तों, ये देख रहा हूँ पीछे की बिल्डिंग दिख रही है, पीछे का सारा कुछ नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि ये व्यू पॉइंट बहुत तगड़ा है हैंगिंग गार्डन। अब ऐसा क्या इसमें हैंग हो जाता है दिमाग, मुझे नहीं पता हैंगिंग किस लिए रखा गया। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और इस साइड से वो गाने के सीन फिल्म आ जाते हैं यहाँ से, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप मैच कर लेना। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है फिर भी लोग देख रहे हैं, इस प्रकार का सीन रहता है यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट में परफेक्ट मैच कर सकते हैं। और इस साइड में देख रहे हो ये क्या बना हुआ है, जूते टाइप का कुछ बना हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। मैंने जो हैंगिंग गार्डन से सीन लिए गए थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी कुछ मूवी के और कुछ गाने के सीन
विल्सन कॉलेज से फिल्म आएंगे, तो अभी यहाँ से लगभग लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे चलने वाले हैं। और हम आपको बता देते हैं, जो अन्नू का जो हॉस्टल दिखाया जाता है वो विल्सन कॉलेज है मुंबई का। तो दोस्तों वहाँ से फिल्म के सीन फिल्माएंगे वो भी हम दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों लोकेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों सामने देख रहे हैं, ये है विल्सन कॉलेज, ये वाली बिल्डिंग ना ये वाला कॉलेज है, देख सकते हैं ये है विल्सन कॉलेज। और पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको। और ये रोड तो भाई काफ़ी तेज़ चल रहा है, मुंबई तो स्पीड वाला शहर है दोस्तों। और इसके अंदर से सीन फिल्माएंगे आज की मूवी के अंदर, वो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं। जो राहुल राय अपनी जो अन्नू अग्रवाल को अपनी जॉकेट दे देते हैं, उनको ढूंढते हुए इधर आते हैं, तो इस रास्ते से जाते तो इधर पीछे राहुल राय जी खड़े रहते हैं, तो इसका सीन दिखाई देता है। आप स्क्रीन शॉट में मैच कर सकते हैं, ये वाली खिड़की वैसे ही मैच कर सकते हैं। अभी जो इस पे जो पाइप पे ये जो लगा है कांटे जैसे लगे हुए तार वाला, वो भी आप मैच कर सकते हैं। एक बारी मैं आउट कर देता हूँ जो, तो ऐसे करके सीन आता है दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट में परफेक्ट मैच कर लेना उसी हिसाब से, तो स्क्रीन शॉट में दोस्तों मैच कर लेना। ये विल्सन कॉलेज का नज़ारा है, देख सकते हैं यहाँ से सीन फिल्माया जाता है। और फिर उसके बाद में एक सीन इस साइड से आता है, यहाँ पर राहुल रॉय ढूंढते हुए आते हैं, तो इस रेड लाइट का सीन दिखाई देता है, वो भी आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं। जस्ट इसी पास का ही वो भी नज़ारा दिखाई देता है, और आप स्क्रीन शॉट में मैच कर सकते हैं आज की फिल्म का सीन। इस लाल बत्ती मतलब रेड लाइट पर फिल्माया जाता है, जो भी सिग्नल रेड लाइट है तो यहाँ पर। और इस साइड में है ये कॉलेज, और इसका सीन दिखाई देता है। यहाँ पे एक सीन रहता है नाइट का, जब इधर से पुलिस वाला आता है, यहाँ पे राहुल राय बैठे रहते हैं मोमबत्ती जला के आई लव यू लिख के, क्योंकि इसमें जब वो रहती हैं अन्नू अग्रवाल, तो उनको प्रपोज करने के लिए यहाँ पे बैठे रहते हैं। पुलिस वाला उनको कुछ कहता है यहाँ पे, इस टाइप का सीन रहता है, नाइट का रहता है। मैंने स्क्रीन शॉट दोस्तों लगा दिया, वो भी आप परफेक्ट यहीं से मैच कर सकते हैं। सकते हो यहाँ पे आज की फिल्म का एक सीन फिल्माया जाता है मूवी के अंदर, जब दीपक तिजोरी मतलब जो राहुल राय के जो दोस्त रहते हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्रिकेट का सीन रहता है। और कॉलेज के अंदर जाना अलाउ नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया, तो कुछ इस टाइप से सीन आता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बारी, देख लेना दोस्तों, यहाँ से यहीं पर क्रिकेट खेलते रहते हैं वो लोग। तो पीछे स्क्रीन शॉट में मैच कर लेना। क्रिकेट खेलने इसलिए आते हैं क्योंकि बॉल को मारना रहता है अंदर, और उधर अन्नू से मिलना रहता है, तो ऐसा कुछ सीन रहता है, वो भी आप दोस्तों स्क्रीन शॉट में मैच कर लेना। इसी जगह पर वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, दीपक तिजोरी और राहुल रॉय। फिल्म के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, मैच कर लेना। तो इधर से सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलता है कि यहाँ क्रिकेट नहीं खेलना, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से जाओ, तो वो लोग नहीं मानते हैं और बॉल को अंदर मार देते हैं। और यही होता है अन्नू का हॉस्टल, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है, और यहीं से वो सीन फिल्माया जाता है, इस जगह से आप परफेक्ट स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हैं दोस्तों। वो बॉल को मार देते हैं, तो यहाँ से सीन आता है, अब परफेक्ट लोकेशन आप मैच कर सकते हो। जब बॉल मार देते हैं राहुल रॉय, तो दीपक तिजोरी और राहुल रॉय बात करते रहते हैं कि क्यों मार दी बॉल, तो ऐसे करके ये जो देख रहे हैं आप, ये जो फुटबॉल का वो रहता है ना, उस इसका सीन दिखाई देता है। वो दोनों जो बने हुए, वो दोनों उस स्क्रीन शॉट में आपको मैच हो जाएंगे, ये पोल जैसे बने हुए हैं जो फुटबॉल डालना वाला रहता है, मुझे नहीं पता है, तो इतना मुझे फुटबॉल के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ क्रिकेट के बारे में तो नॉलेज है थोड़ी बहुत। तो यहीं से सीन आता है और वो लोग यहीं पे क्रिकेट खेलते रहे, तो आप स्क्रीन शॉट में ये मैच कर सकते हैं, यहीं का नज़र रहता है ये वाला, और ये दोनों स्क्रीन शॉट में आज भी वैसे ही मैच हो जाएंगे, तो वो सीन यहीं से फिल्माया जाता है। और इस साइड पर वो खेलते रहते हैं क्रिकेट इस तरफ यहाँ पर, और फिर बॉल अंदर चली जाती है, वो अन्नू को फिर लिख के आते हैं। बिजली का जो बिल रहता है ना, बिजली का बिल उनकी माँ देती है जमा करने के लिए, उस पर लिख देते हैं, बस एक सनम चाहिए आसकी के लिए, मेरा नाम राहुल है, ऐसे करके खत लिखते हैं, यहीं पे वो सीन फिल्मा जाते हैं सारे। दोस्तों आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, और ये काफ़ी सुपरहिट फिल्म थी आसकी, इसके अंदर गाने की तो यार बात ही मत करो यार, गाने इतने सुपरहिट थे, बहुत लाजवाब। और हम आशा करते यही है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद में आपको बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना है। अगर हमसे कुछ किसी भी प्रकार की बात करनी है, कोई भी आपको सुझाव देना है, मुझे इंस्टाग्राम पे आप बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे यूज़र आईडी शो हो जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम समाप्त, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।